कि पूरी एजेंसियां लगा रखी हैं, पूरा प्रदेश छोड़ रखा है और आपको भी झांसे में लेने के लिए पिटारे खोल दिए गए हैं। पानी की टंकी दी जा रही है जिसमें पानी ही नहीं है, उसे टंकी मत समझिए, उसे नौटंकी समझिए, वो नौटंकी है दरअसल। आपके बीच में जाकर के ये बताया जा रहा है कि नहीं हमने बारात घर दिया, हमने टंकी दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपकी नस्लों को नशे का ऐसा कारोबार दे दिया है कि आने वाली नस्लें उसका खामियाजा भुगतेंगी। आपको ये नहीं बताया जाएगा क्योंकि आप बड़े भोले भाले लोग हैं। ये जो गरीब अवाम है, ये जो मजलूम अवाम है, ये जो कम पढ़ी लिखी अवाम है, उसे लगता है कि नहीं चुनाव के टाइम में हमें किसी शख्स ने आकर के मोहब्बतों भरी चार बातें कर दी नकाब ओढ़ करके चेहरे पर, तो आप भोले भाले लोग हैं, मान जाते हैं। मैं लखन घनघोरिया के साथ इसलिए खड़ा हूं पूरी जिम्मेदारी से। मैंने कहा ना मैं शायर हूं, मेरा किसी सियासी दल से कोई लेना देना नहीं है। जब कल मुझे फिरोज ने और अस्सु खान ने आने के लिए कहा तो मैंने एक लफ्ज पर हामी भरी कि मैं आ रहा हूं। और जैसे ही ये खबर पहुंची, लखन भाई आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पूरा जबलपुर के तमाम बड़े बड़े ऐसे लोग लग गए कि इमरान भाई प्लीज मत आइए आप, मत आइए आप, मत आइए आप, मत आइए आप। अगर किसी पैसे वैसे की वजह से आ रहे हो तो हम उसका दो गुना चार गुना आपको पहुंचा दें, आप बस मत आइए। मैंने कहा मेरे भाई आप गलत जगह हाथ मार रहे हैं, आप एक ऐसे शख्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जिसने बिकना नहीं सीखा है। मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी टंकी की नौटंकी से उभरिए, गौर करिए।